हे गाइस, दिस इज़ फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज़ श्रेयस और आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज तक मैंने मेरे चैनल पर व्लॉग स्टाइल और प्रोडक्ट फीचर वाले वीडियोस नहीं डाले थे, लेकिन इसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला S1 के बारे में, और आज हम मिलने वाले हैं एक ओला S1 के ओनर से और उनसे बात करने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला S1 के बारे में और हमारे साथ है पुष्कराज काशिद। और इनके गाड़ी पे अभी कितने किलोमीटर है? ओके, तो अब हम इनसे बात करने वाले हैं और ये हमें डिटेल में बताने वाले हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो लेट जस्ट जंप इनटू इट। तो आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं पुष्कराज काशिद जो कराड महाराष्ट्र में रहते हैं, और उन्होंने पिछले साल यानी जुलाई 2021 में उनकी ओला S1 को रजिस्टर किया था, और उसके ऑलमोस्ट 6 महीने बाद यानी जनवरी 2022 में उन्हें उनकी गाड़ी की डिलीवरी मिल गई थी। उन्होंने अब तक इस गाड़ी पर 2500 किलोमीटर कम्प्लीट कर लिए है। तो आइए उनसे डिटेल में बात करते हैं और जानते हैं कि उनका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पुष्कराज, सबसे पहले आप हमें आपके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका क्या करते हैं? मेरा नाम पुष्कराज काशिद है, मैं कराड का रहने वाला हूँ। ओके। एंड मैं अभी TCS में जॉब कर रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है तो अभी मैं 1 साल से TCS में जॉब कर रहा हूँ। अभी आपकी एज क्या है? मेरी अभी एज 23 है। ओके, तो मतलब आप 1-2 साल से कर रहे होंगे? यस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ओला S1 क्यों? बिकॉज अभी मार्केट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए एथर 450X या फिर जैसे बड़े प्लेयर्स के तरफ से भी है, मतलब बजाज चेतक है, TVS iQube है, तो ओला S1 क्यों? जो आपने अभी नाम लिए वही हमारे कंसिडरेशन में थे, मतलब ओला अपना एथर हो गया, बजाज चेतक हो गया, फिर TVS iQube और एक थी ई प्लूटो 7G। ओके। लेकिन क्या था कि बजाज चेतक और TVS iQube जो है वो थोड़ा बजट के बाहर जा रही थी। ओके। अंडर 1 लाख में ही गाड़ी चाहिए थी उस टाइम। ओके। जून में सोच रहे थे खरीदने की। ओके। और एथर का ऐसा था कि उसकी रेंज थोड़ी कम थी, हमें अराउंड 100-110 की रेंज चाहिए थी, मतलब डेली कम्यूट हमारा 60-70 किलोमीटर था, तो ऐसे कट टू कट हमें ये नहीं चाहिए था रेंज। अच्छा, तो इस उस टाइम हमने ई प्लूटो 7G कंसीडर की थी, वो हमारा फाइनल हो गया था, डिसाइड हो गया था कि वो लेनी है। okay. बट उस टाइम ही ओला ने अनाउंस किया कि वो गाड़ी लॉन्च कर रहे, तो हमने वी डिसाइडेड टू वेट फॉर 2-3 मंथ्स। उन्होंने बोला था कि अक्टूबर नवंबर में हम डिलीवरी चालू कर देंगे, तो हमने इसलिए उस टाइम जून में रिजर्व कर दिया 500 रुपीज़ दे के। ओके, इसी पे मतलब हम डटे रहे। और ये गुड। सेकंड क्वेश्चन इज, आपको इस गाड़ी के बारे में कहाँ से पता चला? जैसे मान लीजिए किसी दोस्त ने बताया होगा या आपने खुद उसको मतलब रिसर्च करते हुए देख लिया? अभी मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि आप शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मतलब फॉलो करते होंगे उसकी न्यूज़ वगैरह, तो आपको कहाँ से पता चला? एक्चुअली मुझे पता चला था, मतलब ब्लॉग साइट्स रहते हैं जो ऑटोमोटिव ब्लॉग साइट्स रहते हैं। ओके। उनसे ही पता चला था, या फिर इंस्टाग्राम पेजेस पे वगैरह भी मैंने देख रहा था कि कौन सी गाड़ी अवेलेबल है, तो वही उधर से ही मुझे पता चल गया था। और न्यूज़ में भी आ रहा था कि ओला गाड़ी लॉन्च कर रहा है, बिगेस्ट फैक्ट्री है, उन्होंने से कहा था वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैक्ट्री तमिलनाडु में कर रहे हैं। यस, तमिलनाडु। सो उधर से ही हमें पता चला था, न्यूज़ से एंड ऑटोमोटिव ब्लॉग साइट से। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाइंग एक्सपीरियंस के बारे में। अब जैसे मान लीजिए आप अगर कोई गाड़ी लेने जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, तो वहाँ पे
किस तरह से आपको मतलब ट्रीट किया जाता है, वो किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन इस केस में आपको मतलब होम डिलीवरी मिल जाती है, डायरेक्टली आप ऑर्डर कर देते हो तो गाड़ी घर पे आ जाती है। तो क्या था आपका बाइंग एक्सपीरियंस, कैसा था? एक्चुअली बाइंग एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। तो इसका बाइंग एक्सपीरियंस ऐसा था कि जैसे आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ खरीदते हैं वैसे ही है। मतलब आपने 500 दे के रिजर्व किया एंड आगे का नेक्स्ट पेमेंट कर दिया और हम आपको होम डिलीवरी मिल गई। लेकिन उसका अदर साइड ऐसा है कि आपको गाड़ी देखने के लिए मतलब उन्होंने ऐसे किया था कि इधर से ऑलमोस्ट पुणे 150 किलोमीटर है, तो पुणे में उन्होंने टेस्ट राइड्स के लिए लॉन्च ये किया था, सेटअप किया था। तो वो तो मुझे पॉसिबल नहीं हुआ जाने के लिए। और दूसरा चीज़ की बहुत लेंदी प्रोसेस था मुझे। एक्चुअली आई हैड टू वेट फॉर 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स टू गेट माई बाइक्स स्कूटर्स डिलीवरी। तो ऐसा बहुत लेंदी प्रोसेस था, लेकिन ओवरऑल इट्स गुड। आपको मतलब ऑनलाइन ही सब चीज़ें सबमिट करनी पड़ती है, कुछ फिजिकली जाने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। आरटीओ रजिस्ट्रेशन भी कॉल पे ही हो जाता है वो। तो दैट्स नाइस, इट्स एक्चुअली इट वॉज एक्चुअली अ गुड एक्सपीरियंस। थोड़ा उन्होंने ऐसे करना चाहिए कि वो थोड़ा उनका जो सेटअप है टेस्ट राइड्स का वगैरह, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कर देते तो फिजिबल हो जाता हर एक के लिए जाके देखने के लिए। तो ये थोड़ा अच्छा, एक प्रॉब्लम मतलब एड्रेस होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रेंज। तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि आपका एवरेज डेली कम्यूट क्या है, और इसकी इसमें जो रेंज ऑफर की जाती है क्या वो आपके यूज के हिसाब से इनफ है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होने चाहिए? तो मैंने जैसे कहा कि मेरा एवरेज डेली कम्यूट 60 किलोमीटर है डेली, कभी कभी वो 70-80 भी हो जाता है। तो इसलिए इतना मुझे 120, मुझे एक चार्ज में 110 किलोमीटर्स मिलता है इसका रेंज। उन्होंने क्लेम किया है 120 किलोमीटर्स, बट 110-115 वो एवरेज देता है, मतलब रेंज देता है, रेंज देती है गाड़ी। तो उतना सफिशियंट है मुझे। एक्चुअली इसका और एक हायर वर्जन आता है S1 Pro, yes. तो उसका रेंज है 180 किलोमीटर्स, बट उन्होंने क्लेम मतलब ARAI के हिसाब से 180 किलोमीटर्स है, बट उन्होंने बाद में जाके क्लैरिफाई किया कि 135-140 मिलेगा। लेकिन हमने यही डिसाइड किया कि ये लेनी है, बिकॉज मेरा 60-70 किलोमीटर्स डेली कम्यूट का मुझे रेंज मिलता है। हाँ, मतलब वैसे इवन इन सिटी लाइक पुणे, यस, 100 किलोमीटर्स इज इनफ 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 यस। आप मतलब एक दो बार इधर उधर कर सकते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। ये एक वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसको लेके एक बायर का डिसीजन, मतलब एक बायर गाड़ी लेगा या नहीं लेगा ये डिसाइड हो सकता है। तो अभी जैसे इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके उतना वो नहीं है, मतलब देयर इज अ लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह नहीं होता है। बड़े सिटीज में मिल जाता है, बट जैसे अभी कहीं दूर जाना हो तो उसके बारे में सोचना पड़ता है बेसिकली। तो उससे क्या आपके मतलब डेली लाइफ में कुछ फर्क पड़ता है? जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं दूर जाना होगा, तो क्या उस चीज़ की वजह से आपका राइडिंग डिसीजन है ऐसे कुछ चेंज होता है? तो डेफिनेटली मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में थोड़ा कम ही है। तो जो हम सोच के ही जाते हैं बाहर के निकलने से पहले कि 100 किलोमीटर तक हम रखते हैं कि 100 किलोमीटर जाना है तो ही हम ये गाड़ी लेके जाते हैं बाहर। और फिर उसमें भी दो चीज़ें हैं कि अगर आप आपका प्राइवेट स्पेस है चार्जिंग करने के लिए, तो मैं तो वो ये हो जाता है कि क्या बोलते हैं, फिजिबल हो जाता है चार्जिंग लगाने के लिए। लेकिन अगर दूसरा चीज़ देखें तो अपार्टमेंट्स में वगैरह थोड़ा लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, अपोज करते हैं चार्जिंग वगैरह लगाने के लिए, और इसके भी हो जाता है। और मेरे दोस्त का एक ऐसे हुआ था कि उसका चार्जर ही चोरी हो गया था, उसने अपार्टमेंट में नीचे लगाया था, तो वो एक रिस्की फैक्टर हो जाता है अपार्टमेंट। अच्छा। और अगर आप बाहर लेके जाते हैं तो अभी सेटअप हो रहे हैं मेरे सिटी में, 2-3 जगह हो गए हैं, तो लेकिन ऐसे ही जैसे पेट्रोल पंप जैसे है वैसे ही वो फिजिबल होना चाहिए बायर को। क्योंकि इसको क्या है कि एटलीस्ट आपको समझो 50-60 किलोमीटर जाने तो 2-3 आवर्स तो वेट करना पड़ेगा चार्जिंग। तो अगर मैं किसी चार्जिंग स्टेशन पे जाता हूँ, पहले से उधर गाड़ियाँ खड़ी है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा वहाँ पे एक घंटा आधा घंटा, फिर उसके बाद मेरी गाड़ी चार्जिंग पे लगाएंगे, तो उसके बाद फिर मुझे 2-3 घंटा वेट करना पड़ेगा। मतलब अभी भी उतना कन्वीनियंट नहीं है। नहीं है, लेकिन अभी जो सेटअप हो रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है कि मेरे सिटी में ही 3-4 सेटअप लास्ट ईयर में ही हो गए हैं चार्जिंग स्टेशन। तो ऐसे अगर बढ़ते रहे तो अच्छा होगा फिर। इट विल टेक टाइम, लेकिन हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा उसमें। अब चार्जिंग से रिलेटेड ही और एक क्वेश्चन, इस गाड़ी को घर पे चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगता है, और ये अपने ग्रिड से कितनी मतलब कितने यूनिट्स यूज करता है? हाँ, तो इसको चार्ज करने के लिए ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगते हैं मुझे। तो मैं
रोज रात को ही लगाता हूँ मोस्टली, हाँ मतलब वही आइडियल टाइम होता है, आइडियल टाइम होता है, यस। तो उस टाइम ही मैं लगाता हूँ। 4-5 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है चार्जिंग, और ग्रिड से वो ऑलमोस्ट 3 यूनिट्स लेता है, थ्री ओके। यूनिट्स इसकी बैटरी 2.98 किलोवाट आवर की है इसकी ओके, बैटरी, मतलब जन हाँ मतलब 3 यूनिट्स के आसपास ले हाँ लेगा, 3 यूनिट्स के ओके आसपास ओके एक पूरा चार्ज करने के लिए लेगा वो। ठीक है। तो हम अगर पकड़ते हैं 5-6 रुपीज भी पकड़ते हैं एवरेज पर यूनिट, तो इट्स लाइक मैक्स टू मैक्स 20-20 रुपीज पकड़ ट्वेंटी के चलिए ट्वेंटी अपन फाइव के आसपास हो आसपास जाएगा हो जाएगा एक चार्ज का, एक चार्ज करने का। उसमें 120 किलोमीटर्स मिल जाता है, यस 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 दैट्स ग्रेट। अब वैसे तो मुझे इस सवाल का जवाब ऑलरेडी पता है, बट हमारे कुछ व्यूअर्स को शायद नहीं पता होगा, तो उनके लिए पूछना पड़ेगा। सो इसका परफॉर्मेंस कंपेयर टू एन आईसी स्कूटर, जैसे मान लीजिए कोई एक्टिवा जुपिटर या यू नो एक्सेस 125, उसके मुकाबले कैसा है? इसकी लोड कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसी है? और जैसे मान लीजिए ऑफ रोडिंग करते वक्त, मतलब नॉर्मल ऑफ रोडिंग नॉट हार्ड कोर ऑफ रोडिंग, या किसी मान लीजिए ढलान पे या घाट सेक्शन में चलाते वक्त, कंपेयर टू एन आईसी स्कूटर इसका परफॉर्मेंस कैसा है? आईसी स्कूटर से कंपेयर किया तो इट्स वेरी फन टू ड्राइव, बिकॉज इसका स्पोर्ट्स में अगर आप जो पिकअप देखे, इनिशियल टॉर्क देखे, तो वो बहुत ही बढ़िया, आपको मज़ा आ यस जाएगा चलाने के लिए। नो डाउट। लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर आप देखे तो आईसी इंजन से थोड़ा कम ही है, मतलब वो डेफिनेटली अच्छा आप अगर मतलब दो दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आईसी इंजन से वो कम ही है, बट बहुत स्मूथ चलती है गाड़ी, एंड हैंडलिंग भी सिटी में एकदम अच्छी तरीके से हो जाती है गाड़ी, हैंडलिंग के ओके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एंड कंफर्ट है बहुत अच्छा, सस्पेंशंस वगैरह भी बहुत ही मतलब अच्छे सॉफ्टर साइड पे उसके है। बारे में आगे बात करेंगे, यस ठीक है, डिटेल एंड में बात हाँ यस करेंगे। एंड वही है, अच्छा है, मतलब इट्स कंपेयर टू आईसी इंजन। अब हमें कैसे आईसी इंजन चलाने का अभी आदत हो गया है, लेकिन ये कुछ उससे डिफरेंट है, इसलिए वो थोड़ा अच्छा मज़ा आता है चलाने के लिए, इट्स मोर स्मूथ है, प्रिपेयर, कुछ आवाज़ नहीं आता है यस वगैरह, तो इसलिए बहुत बढ़िया लगता है चलाने के लिए। नाइस। अब ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होती है, स्पेशली दिस वन, बहुत फंकी लुकिंग होती है। मतलब इनका लुक ही कुछ अलग होता है। हाँ तो और ये तो मतलब येलो कलर में, यस इट्स वेरी मतलब क्या बोलूँ, कैची आई लुकिंग, कैचिंग। ओके तो इसका रोड प्रेजेंस कैसा है? हाँ इसका रोड प्रेजेंस एक्चुअली मेरे सिटी में शायद पहली या दूसरी ही थी मेरी मेरे सिटी में, तो इट गेट्स अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन ऑन रोड व्हेन एक्चुअली यू एक्चुअली ड्राइव इट ऑन द रोड, बिकॉज आपको लोग रोक के पूछेंगे कि क्या स्कूटर है, कहाँ से लिया, कितना देती है, जो इंडिया मतलब इंडिया के जगह का जो इम्पोर्टेड क्वेश्चन होता है सबसे ज़्यादा कि कितना हाँ देती है, तो बहुत ही लोग पूछते हैं, और दिखने में भी थोड़ा डिफरेंट है बाकी अगर आप देखेंगे, बहुत ही डिफरेंट लुकिंग है वो, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि बहुत अच्छी दिखती है वगैरह ऐसे, तो वो बहुत मतलब अट्रैक्शन, मतलब बहुत लोग देखते हैं उसको, तो एक्चुअली रोड प्रेजेंस तो मतलब अच्छा बहुत ही ही, है। हाँ रोड प्रेजेंट अच्छा है उसका, ओके एक्चुअली थोड़ा इरेटेड हो रहा था मुझे पहले पहले, क्योंकि बहुत ही लोग मुझे हर पूछ कोई रहे आके थे, हर पूछ रहा कोई था, आके पूछ रहा था हाँ रोक रोक के कि कहाँ से लिए, क्या लिए, मतलब कौन कितना सी गाड़ी कितना, है, कौन सी क्या गाड़ी, कहाँ से ली, कितनों हाँ के शोरूम की तरह ये भी पूछ रहे थे लिए। मुझे, तो यस ऐसे था। ओके तो इस गाड़ी में अब मतलब बहुत सारे हाईटेक फीचर्स, अच्छे वाले और कुछ क्लास लीडिंग फीचर्स हैं जो बाकी गाड़ियों में देखने को भी नहीं मिल रहे। इन सब में से आपका फेवरेट फीचर कौन सा है? एक्चुअली भी ऐसा है कि उन्होंने फीचर भी दिए नहीं है गाड़ी एंजॉय करते टाइम, उन्होंने अच्छा बोला कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आएगी उसके बाद ही सब नेविगेशन वगैरह या फिर प्रोफाइल्स है, इंडिविजुअल प्रोफाइल्स, ये ओटी अपडेट से आएगा, हाँ ओटी ओटी अपडेट से, अपडेट से हाँ आएगा, यस ओटी नाइस अपडेट से आएगा। वाह अभी मैंने ट्विटर पे देखा तो बहुत लोगों को आना चालू हुआ है, अच्छा एंड मुझे भी शायद आ जाएगा 2-3 वीक्स में शायद आ जाएगा, लेकिन दैट्स उसमें नाइस। एक फीचर मुझे अच्छा लगा कि हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए कीलेस एंट्री है, यहाँ पे कीलेस एंट्री है, तो हम पासवर्ड डालते हैं तो ही वो अनलॉक होती है, तो ऐसा है अगर मैं ये पासवर्ड डालूँ मैं तो ये अनलॉक होगी, तो एक अच्छा फीचर लगा मुझे कि कीलेस एंट्री, पासवर्ड डालो और घूम घूमो, नाइस। फिर उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आने के बाद देखते हैं फिर नेविगेशन वगैरह चालू होगा, साउंड्स भी है तो म्यूजिक वगैरह सुनते हैं चलाएंगे फिर, तो इसमें यहाँ पे स्पीकर्स यस है? यस स्पीकर से ही, वाह स्पीकर से यहाँ पे और यहाँ पे जो एक्चुअल इंडिकेटर्स वगैरह है हाँ तो हाँ उधर से ही आवाज़ आता है इसका, इधर से इधर, ये दो स्पीकर से, रिवर्स भी अगर आप लेते हैं, ये रिवर्स का बटन है तो रिवर्स लेते हैं तो भी वो साउंड करते हैं, मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है जैसे हमारे 4-व्हीलर्स में होता है वैसे ही। ओके ओके तो अब हम इस गाड़ी के हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे।
तो मैं आपको एक एक करके पूछूंगा, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना है। ओके, सबसे पहले सस्पेंशन। सस्पेंशन का कैसा है? सस्पेंशन आपको आगे सिंगल फोर्क मिलता है और पीछे पुशिंग सस्पेंशन मिलता है। बहुत ही कंपनी सस्पेंशन है, सॉफ्टर साइड पे सस्पेंशन है, छोटा सा गड्ढा होता है तो आपको फील भी नहीं होगा, तो बहुत अच्छा सस्पेंशन है, कंफर्टेबल टू राइड। ओके, सेकंड वन टर्निंग रेडियस। जैसे मान लीजिए आप बहुत टाइट स्पॉट में आपको टर्न लेना है, यू टर्न लेना है, तो वो कैसा है? एक्चुअली इसका टर्निंग रेडियस मुझे थोड़ा कम लगा, बाकी okay. जो भी स्कूटर्स चलाता हूँ उसके कंपेयर टू, वो थोड़ा ज्यादा मैन्यूवर करके फिर आगे पीछे करके निकालना पड़ता है। मतलब 3.10 ओके, थोड़ा कम है इसका टर्निंग रेडियस। ओके, इसका स्पीड, स्पीड मान लीजिए नॉर्मल सिटी में तो उतना फर्क नहीं पड़ता, ओपन रोड पे। हाँ, तो अभी इसमें दो मोड है, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। तो उस नॉर्मल मोड में अगर आप सिटी में तो आप ज्यादा नहीं भगा पाते, लेकिन अगर हाईवे पे भी आप चले जाओगे नॉर्मल मोड पे तो 80 तक जाता है, और स्पोर्ट्स मोड में डालोगे तो 95-96 पे जाता है, डबल सीट। Nice. डबल सीट। वाओ, हाँ इतना है उसका स्पीड। इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जैसे मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग से तो मतलब सिटी में तो वही यूज होता है, लेकिन पैनिक ब्रेकिंग में जैसे मान लीजिए अभी आगे पीछे दोनों डिस्क दिया हुआ है, तो उसका कैसा है, मतलब बाइट कैसा है और उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस? ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, आप बहुत हाई स्पीड पे हो, 60-70-80 किलोमीटर, तो आप एक 10 उस रेंज में आप पूरे स्टॉप तक मतलब रेस्ट आ जाती है गाड़ी, अगर आप दोनों ब्रेक कॉम्बी मतलब दोनों ब्रेक अगर आप अप्लाई करें तो वो हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छा है। ओके, नाइस। तो हमारा अगला सवाल है कि अब तक इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं? अगर यस तो क्या वो रिजॉल्व हो गए, मतलब अगर यस तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, अगर नहीं तो मतलब कंपनी ने ऐसे ऑकरेंसेस के बारे में क्या बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा आगे? एक्चुअली मुझे तो कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम आया नहीं। okay. मैंने ट्विटर पे और ऐसे देखा था अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक लोग मतलब एक जन की गाड़ी स्टार्ट करती रिवर्स में चली गई। हाँ, वो हाँ, एक कुछ था मतलब हाई स्पीड में जा रही थी। जा रही थी, तो ऐसे तो मुझे कुछ ये नहीं हुआ, बस इसका एक मुझे प्रॉब्लम आया था कि अगर ये पूरा हैंडल ऐसे रेस्ट पे है और अगर आप पासवर्ड डालते हो तो कभी कभी लॉक अनलॉक नहीं होता गाड़ी। तो मुझे, मैंने और खुद से रिजॉल्व किया कि आप थोड़ा ऐसे टिल्ट करिए गाड़ी को, एंड देन आप अगर पासवर्ड डालते हो तो अनलॉक हो जाता है गाड़ी। ओके, तो ऐसे है, एंड अगर कुछ वो बोले कि मतलब कंपनी बोले अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम नेक्स्ट अपडेट में वो रिजॉल्व करके वो अपडेट दे देंगे, ऐसे उन्होंने कहा है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आया है। एज इन कोई मेजर प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कोई बैटरी फेलियर नहीं या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, 2500 किलोमीटर चली है गाड़ी। नाइस, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। ओके, ठीक है, अब तक तो मतलब बहुत अच्छा अच्छा हो गया। अब आपको कम से कम दो नेगेटिव्स बताने कि आपको इस गाड़ी में पसंद नहीं है और आपको लगता है कि कंपनी को एड्रेस करना चाहिए। हाँ, एक तो ऐसा है कि मतलब आफ्टर सेल सर्विस जो है वो थोड़ा उनका इशू है, वो डेफिनेटली वो एड्रेस करना चाहिए उनको। ओके, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर उनका अगर एक शोरूम या फिर सर्विस स्टेशन वो खोलते हैं तो वो बेटर हो जाएगा, बिकॉज एक महीने पहले मेरा थोड़ा एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था। ओके, तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा था दूसरे गाड़ी का, और रॉन्ग साइड से आया बंदा, एंड थोड़ा ये इधर एयर स्क्रैचेस मतलब उधर क्रैक गया गाड़ी को, तो वो मैंने उनको कंप्लेंट ये कर दी थी, कंप्लेंट रजिस्टर कर दी थी, लेकिन उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया या फिर कॉल कुछ एड्रेस नहीं किया गया था, तो हमें 2-3 बार कॉल करना पड़ा, उसके बाद जाके उन्होंने ग्रैंड चैंपियन भेजा उनका, उन्होंने बोला कि उन्हें लेके जाना पड़ेगा गाड़ी, तो वो इंश्योरेंस में कवर होगा या फिर आपको खरीदना ये पैनल पूरा तो मैं ला के ले सकता, तो वो एड्रेस करना चाहिए एक तो, एंड दूसरा जो है निगेटिव एक्सेसरीज, एक इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज है यहाँ पे, लेडीज़ फुट रेस्ट देना चाहिए था पहले, लेकिन अगर वो आप एक्सेसरीज में भी दे रहे हो तो अभी तक लॉन्च नहीं की गई है उनके एक्सेसरीज, तो अच्छा। लेडीज़ अगर कोई बैठ रही है गाड़ी पे तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, कन्वीनियंस थोड़ा कन्वीनियंटली मतलब नहीं है उतना लेडीज़ पीछे बैठना, तो वो एक है। और एक बात है, ये जो हम्प है यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ऐसे रख नहीं सकते, बॉक्स वगैरह रखना होता है, इंडिया में वैसे ही होता है कुछ बॉक्स वगैरह सर में कैरी करना होता है तो इधर लाना होती है, तो ये थोड़ा हम का थोड़ा फ्लैट कर दिया तो भी चल जाएगा, वो बहुत ही वो ऊपर है ऐसे फ्लैट, या फिर निकाल दिया अगले कुछ मॉडल अगर वो लॉन्च करने वाले होंगे तो उधर ये निकाल देंगे तो बढ़िया रहेगा। अभी आप इसको आई थिंक 2-3 महीने से यूज कर रहे हैं?
हाँ 2 महीने हो गया, उस पर कल ही 2 महीने हाँ हो जाएंगे। 2500 किलोमीटर्स ऑलरेडी हो चुके यस हैं। तो मेरा सवाल है, एज ओनर ऑफ दिस ओला S1, क्या आप इसे अपने फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस या किसी फैमिली मेम्बर को रिकमेंड करेंगे? हाँ, डेफिनेटली। लेकिन उसके पहले एक बताना चाहता हूँ, आप अगर ये गाड़ी बुक करें तो आप में पेशेंस होने चाहिए, क्योंकि अच्छा 4 to 5 months वेट करना पड़ेगा आपको गाड़ी के उसको लेके लिए। बहुत इश्यूज आ रहे थे, मैंने भी हाँ सुना था न्यूज़ में, यस, नहीं मतलब तो भीड़ एट इसको लेके। यस 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 एट दिस पॉइंट ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर है, आपको अंडर 1 लाख में S1 तो मिल जाएगा, आपका डेली पर्पज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर में इसको रेट करूंगा और बढ़िया है, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। अब हमारा लास्ट सवाल, आर यू हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट? और आपको आउट ऑफ 5 इसको रेट करना है, तो आप कितना रेटिंग देंगे? हाँ डेफिनेटली मैं हैप्पी हूँ, जितना भी मैंने वेट किया वो वर्थ था वेट, बिकॉज गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया है। मैं आउट ऑफ 5 इसको 4 ही दूंगा, एक काटूंगा क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस जो है उसके लिए वो इम्प्रूव कर दे तो वो एकदम बेस्ट स्कूटर है, कुछ इसको तोड़ ही नहीं है फिर तो इस रेंज में। कुछ चीजें मतलब अभी थोड़ा ये हाँ करना बाकी इशू है। यस, यस जितना स्टेबल होते जाएगी कंपनी वो इम्प्रूव होते जाएगा डेफिनेटली, तो वो इशू एड्रेस कर देंगे तो वो डेफिनेटली 5 स्टार तो इसको मिल ही जाएंगे आगे फ्यूचर में। ओके, सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हमारे साथ थे पुष्कराज काशिद, और उन्हें उन्होंने हमें ओला S1 के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो थैंक यू पुष्कराज, यस थैंक यू। हम आपके साथ आगे भी ऐसे वीडियोस बनाना चाहेंगे। विल स्टे इन टच विथ यू, आगे में भी आई डोंट नो 5000 किलोमीटर्स, 10000 किलोमीटर्स के बाद फिर से वीडियोज़ बनाएंगे। ओके, सो दैट वॉज प्रिटी मच इट। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशन या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन, सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।